आज मेरे साथ जो दो स्टार बॉयज है ना, इनके बिना फिल्मों में चटकारे नहीं आते। जैसे चटनी के बिना समोसा, रबड़ी के बिना जलेबी अधूरी होती है ना, वैसे ही इनके बिना पिक्चर अधूरी होती है, मगर जब ये होते हैं तो इनके साथ पिक्चर पूरी होती है। मेरे साथ है नीरज सूद और अतुल श्रीवास्तव जी। ताली बजाओ यार। यहाँ सब ज्ञानी है, तो जो कि हम पिक्चर का जिक्र करा है मैंने, तो आप पिक्चर के बारे में भी बताइए कि किस बारे में है पिक्चर, क्या बारे में बात कर रही है। मेरे जीजा है। अच्छा, ये बताएंगे, अभी शुरुआत यही करेंगे। यहाँ सब ज्ञानी है का मतलब यही है कि हमें काफी ज्ञान है और हम बताना चाहते हैं। दूसरा है। मतलब है कि सुनो, हमारे पास ज्ञान है, हमको मत बताओ। दो तरीके से होता है। ये फिल्म का पूरा माहौल ऐसा है। अच्छा। जिसमें मैं, पप्पू तिवारी, जीजा, ये मेरे साले, जो कि आपकी पिक्चर का नाम है यहाँ सब ज्ञानी है। तो ऑब्वियसली ये तो मतलब जाहिर सी बात होगी कि आप भी ज्ञानी है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आजकल इतने सारे लोग आना चाह रहे हैं, तो उनको क्या ऐसे वन लाइन ज्ञान देना चाहेंगे आप? देखो, अगर हमारी जिस तरह की फिल्म है वैसा ज्ञान दूं, कानपुरी शैली में, पूरी फिल्म कानपुर में बनी है, तो फिर तो मुंह में मसाला भी चला गया। सुनो, आना चाहते हो यहाँ पे, क्या करोगे इंडस्ट्री में? उनका एक्टिंग करो। एक्टिंग करूँगा तो करो। और मेरे से अगर पूछोगे तो हम जैसे लोग बोलेंगे, एक्टिंग करोगे तुम? से ना हो पाएगा यार, तुम से हो ना पाओ। बहुत हैं तुम्हारी तरह के, हाँ नहीं हो रहा। ताली मार दीजिए। तो वाह। अब सर, जैसे आप लोगों ने इतने मंझे हुए एक्टर्स के साथ काम किया है, हाँ, बहुत सारे सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, तो जैसे रणवीर सिंह के साथ जब आपने काम किया सर, उनकी डेब्यू फिल्म थी वो, तो वो मेरे को ही बताइए कि वो जितने एनर्जेटिक ऑन स्क्रीन रहते हैं, वो रियल लाइफ में सेम 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 वो ऐसा ही है। वो शुरू से ही रणवीर सिंह, मतलब जब एक बार हम लोग फिल्म सिटी में शूटिंग भी कर रहे थे, तो सामने आया, मैं गाउन पहना था, कुछ गाउन वाला सीन था उसका, अनुष्का का सीन चल रहा था, तो वहाँ खड़ा हो गया, वो ग्रीन टी पी रहा था पता नहीं, तो मैंने बोला यहाँ क्या कर रहा है? कह रहा है भैया, जब कैमरा के सामने कुछ दूसरा होता है ना, अंदर आग लगती है, मुझे होना है वहाँ, मुझे। तो वो एनर्जी भाई उसमें, वो आज तक मैं तो सल्यूट करता हूँ कि सर, अनुष्का कितनी लंबी है आपसे? नहीं, मेरी हाइट की है, मैंने देखा। हाँ, मेरी हाइट। ये विदाउट हील्स बता रहे हैं आप या विद हील्स बता रहे हैं? ये विदाउट हील्स, विदाउट हील्स बता। अच्छा, ये सब आप पकड़ते हो ये सारी चीजें? अरे बाप रे बाप, सवाल पूछते हैं आप तो है, माशाल्लाह काफी लंबी है। और सर, आप दोनों ने मिलकर के कार्तिक के साथ काम किया, कार्तिक आर्यन के साथ, ठीक है? तो मोनोलॉग उनको देखा, याद करते हुए कितनी मेहनत करते हो मोनोलॉग? बहुत मेहनत, बहुत मेहनत। और आपने उनके बाल टच किए? उनके निकली क्या? नहीं नहीं, बताओ तो। अब छुआ हुआ है, बेटा बना सा गले लगाया है। हाँ। किया, वो तो जबरदस्ती चिपक जाता था मेरा तो करेक्ट। कितने लड्डू खाए थे उनके साथ? अरे बाप रे बाप, वो तो पूछो ही मत, वो तो ओवर ईटिंग हो गई थी। अरे इतने टेक, मतलब वो अच्छा, उसमें क्या होता है ना, पिक्चरों में एंगल्स बहुत होते हैं। हाँ। तो वो एंगल्स के चक्कर में बहुत ज्यादा हो गए, हर चीज, चाहे वो समोसा हो, चाहे वो पकौड़ियाँ हो, चाहे वो केले, हर सीन में तो कुछ ना कुछ खा ही रहा है, वो सब चल रहा था। मतलब आपने इतने सारे किरदार करे, बट एक मुन्ना भाई एमबीएस का जो सीन है, जो मतलब ऐसे चिपका हुआ है दिमाग में हमारे। तो आप ये बताइए कि कितना सारा खाना खाया था आपने उसमें? उसमें क्या हुआ? हाँ, वो अंडे पे अंडे चलते जा रहे, मतलब ये तो यहाँ भी इसने भी कह दिया ए मत डाल, इसने भी कह दिया मत डाल, और इसने तो भरी दिया, बोली नहीं पा रहा। जैसे टेक हुआ, तुरंत एक तसला लेके एक आदमी खड़ा रहता था, वो तुरंत उसमें बोलता था। सर, अब आप चूंकि बहुत ऐसे मतलब रिश्तेदार प्ले करते हैं ऑन स्क्रीन, तो एक बहुत ही सिंपल सा गेम खेलते हैं। हाँ। एक रिश्तेदारी बताऊंगी। हाँ। उसका नाम बताना चेन, होगा। हाँ, आपको रिश्ता बताना, रिश्ता, ठीक है? तैमूर की मम्मी की ननद का भाई, तैमूरी तो हुआ, तैमूरी तो, ननद का भाई, उसका हस्बैंड कौन है? हस्बैंड उसका नाम नहीं पता, तैमूर उस वाले की हिस्ट्री वाली बात कर रहे हो? अरे सैफ अली की बात कर रहे हो? अच्छा, इस वाली बात कर रहे हो? अरे सैफ अली, अरे यार, ये तुम कहां से ढूंढ के लाई? नहीं, मैं बना है सर, मुझे बताना पड़ेगा कि मैं पिक्चर स्टार की बात कर रहा हूं। एक और करते हैं, ठीक है? आराध्या के दादा के बहू की सास। अरे ये अपने जय जी। हां, वाह 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 वाह, तुमने गिफ्ट हैंपर रखा है क्या? मतलब वन एंड वन स्कोर हो गया, ठीक है? अब सर, हमने पिक्चरों की तो बातें कर ली, अब एक छोटा सा गेम भी खेल लिया, मैंने आपको वार्म अप तो कर दिया है।
अब हम एक और इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे। इसमें क्या होगा कि मैं आपको फिल्म के किरदार का नाम कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करूंगी, आपको मुझे किरदार का नाम बताना है, एक्टर का नाम नहीं बताना है, फिल्म का नाम नहीं बताना है, उस कैरेक्टर का नाम बताना है। यार पिक्चर देखी भी होनी चाहिए। होगी होगी सर, होगी होगी, ठीक है। रेडी हम, रेडी है सर, एकदम रेडी है। मैं डॉक्टर होने के साथ साथ एक मेडिकल स्कूल का डीन भी हूँ। जब मुझे बहुत जोर से गुस्सा आता है तो मैं लाफ्टर थेरेपी प्रैक्टिस करता हूँ। और मुन्ना भाई, मुन्ना भाई वाला है। नाम नहीं बोलना है यार, वो उनका कैरेक्टर, बोमन जी, बोमन जी। नहीं नहीं कैरेक्टर का नाम बोलना है। प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज। नाम क्या है उनका? बोमन रानी है ना। अरे उनका कैरेक्टर का नाम क्या है? अरे वो अस्थाना। ये बहुत बढ़िया। अगला दूसरा है सर, मेरा असली नाम पवन कुमार चतुर्वेदी है। मैं बहुत बड़ा हनुमान भक्त हूँ और मेरा लाइफ में सिर्फ एक ही एम था, मुन्नी को उसके घर पहुंचाना। मेरा बेटा कौन? बजरंगी। बजरंगी मुझे इसलिए याद है कि मैंने थप्पड़ बहुत मारे। मैं कानपुर में PWD में काम करने वाला एक इंजीनियर हूँ। मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत बोरिंग चल रही है। मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार है जो मेरी पिक्चर में है, ठाकुर के लड्डू बहुत खाते थे। अरे मैं नाम भूल गया यार, बहुत सॉरी यार। चिंटू त्यागी यस, चिंटू त्यागी। और मैं ही रिश्ता लेके गया था, वही तो। और ठाकुर के लड्डू आपने उन्हीं के साथ खाए थे। खाने में बिजी हो गए, जो नाम से मतलब ही नहीं है। एक बारी जाते जाते आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे, आपकी पिक्चर कब देखने के लिए जाए? हाँ प्लीज, रिलीजिंग डेट बता। बहुत सीरियस बात कह रहे हैं, इसमें कोई ज्ञान नहीं बांट रहे। ये हमारी फिल्म है, इसमें कोई हम हीरो टाइप नहीं है। हम हीरो, जो फिल्म हीरो है उसके पात्र हैं। तो आप ये फिल्म जरूर देखने आइए। 7 फरवरी को रिलीज हो रही, बस 2-3 दिन बाद। और दूसरी बात, ये आपकी कहानी है, मेरी कहानी है, हमारे समाज की, सोसाइटी की कहानी है, इसलिए भी हमको ये पिक्चर बहुत मजा आएगा। आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। सच बताया, नहीं तो एक टिकट के पैसे वापस। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आप लोगों से बात करके।